ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। परिवारवाद और तुष्टिकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। मेरा भारत, मेरा परिवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मजाक, तंज, अपमान या सियासी चूक, इन सभी के बीच में महीन सी रेखा होती है जो दिखती तो नहीं लेकिन जरा सी भूल होने पर भारी नुकसान की नींव रख देती है। ऐसा है नहीं कि नेता या सियासी गलियारों में भद्दी भाषा का इस्तेमाल नहीं होता, आए दिन वही होता रहता है, लेकिन तंज कब अपने फायदे के बजाय दूसरे का फायदा बन जाए इसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है और विपक्ष जितना जल्दी ये सीख लेगा उसके लिए उतना अच्छा रहेगा। लोकसभा चुनाव करीब है और विपक्ष से जुड़े एक दल ने तंज कसने के चक्कर में ऐसी ही एक भूल कर दी है। ये भूल ऐसी रही है कि भाजपा ने तुरंत मौका मिलते ही इस भूल को इनकैश कर लिया है। नतीजा ये रहा कि 2024 चुनाव से पहले ही बीजेपी को इस बार भी मुद्दा मिल गया है। जिस तरह 2014 में चायवाला, 2019 में भी चौकीदार के बयान पर नरेंद्र मोदी बहुमत देकर केंद्र की सत्ता में उन्हें बिठा दिया गया था, ठीक उसी तरह चुनाव से पहले बिहार में विपक्षी गठबंधन के रैली में आरजेडी सुप्रीमो ने मोदी के परिवार पर प्रहार कर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने कुंद कर डाली विपक्ष के तीर की धार। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। परिवारवाद और तुष्टिकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। मेरा भारत, मेरा परिवार। बीजेपी पर परिवारवाद का तंज कसकर विपक्ष ने बैठे बिठाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका दे दिया है। अपनी राजनीतिक चतुराई के लिए मशहूर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के तीर को उसी की तरफ मोड़ दिया। बात राजद सुप्रीमो लालू यादव के बयान से शुरू हुई थी। लालू ने रविवार को कहा था कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। पीएम मोदी ने सोमवार को तेलंगाना में रैली में लालू यादव को जवाब दिया। मोदी ने कहा कि 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है, जिसका कोई नहीं वो भी मोदी के है। बस मोदी का इतना कहना था कि बीजेपी को मानो इशारा मिल गया। कुछ ही पलों में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया पर नाम बदल दिया। लालू यादव का पीएम पर वार। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। मोदी बोले, ये देश ही मेरा परिवार। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। 2014 में चायवाला, 19 में चौकीदार। यदि यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना देते हैं। जैसे भी कहना है, आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। अब की बार का कैंपेन मोदी का परिवार, क्या ये अभियान दिलाएगा सीटें 400 पार? लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के बयान पर सियासी संग्राम खड़ा हो गया है। पीएम मोदी के परिवार को लेकर दिए बयान के बाद अब बीजेपी ने इसे तुरंत कैश कर लिया। भाजपा नेताओं ने अपने एक्स प्रोफाइल पर नाम के आगे मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया। दरअसल 3 मार्च को पटना में महागठबंधन की रैली में लालू यादव ने जो बयान दिया, कहा था, पीएम मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला करते हैं। मैं पूछता हूं कि तुम बताओ कि तुम्हारी कोई संतान क्यों नहीं हुई,
इसके अलावा लालू ने कहा कि उनके पास परिवार ही नहीं है, वो हिंदू नहीं है। ये मोदी क्या है, मोदी को, मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माता जी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माता जी का जब देवावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? लालू यादव के इस बयान का पीएम मोदी ने तेलंगाना में जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं जब भी परिवारवाद की राजनीति की बात करता हूं, तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। इन्हें बताना चाहता हूं कि मेरा देश, 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। उन्होंने कहा कि देशवासियों के लिए बचपन में घर छोड़ा था, इन्हीं के लिए जीवन खपा दूंगा। ये प्यार भाइयों बहनों, एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था, और जब मैंने अपना घर छोड़ा, एक सपना लेकर के चला था, कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। वहीं पीएम की स्पीच के कुछ देर बाद भाजपा नेताओं ने अपने एक्स प्रोफाइल पर नाम के आगे मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया। अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू जैसे बड़े नेताओं ने प्रोफाइल नेम चेंज कर दिया। वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूरा देश उनका परिवार है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, वे सीमा पर सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हैं, वे उनका परिवार हैं। जब उन्होंने अपने देश के लिए खुद को समर्पित करने के लिए अपने परिवार को छोड़ा, उसी क्षण उन्होंने प्रतिज्ञा की, पूरा देश उनका परिवार है। इंडी गठबंधन के सभी नेताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का
शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है और कष्टकारक है। उन्होंने मोदी जी के परिवार के विषय में यह बात कही, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है। और यह बात आज की नहीं है बहनों भाइयों, हम सब लोग अपने परिवार के साथ होली दिवाली मनाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 की पहली दीपावली प्रधानमंत्री जी ने कहां मनाई थी? सीमा पर सैनिकों के साथ, यह उनका परिवार था। और उससे लेके आज तक जितनी दीपावली पड़ी है, किसी न किसी सीमा की चौकी पर सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई है, यह है उनका परिवार। 15 अगस्त 2023 को, अभी पिछले 15 अगस्त को, लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जो संबोधन किया, उन्होंने क्या कहा था? मेरे परिवारजनों, यह है मोदी जी का परिवार। और यह भाव सिर्फ 2014 से नहीं है, अपनी तरुणाई की अवस्था में जब उन्होंने समाज के लिए और राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के संकल्प के साथ अपने परिवार को छोड़ा था, तो उसी क्षण उन्होंने यह संकल्प ले लिया था कि अब ये पूरा देश मेरा परिवार है। यही नहीं, सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के लिए कोई हिंदू नहीं है। उन्होंने हिंदुओं को पिछड़े, दलित, सवर्ण, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, बंगाली और यहाँ तक कि हिंदी में बांट रखा है, क्योंकि वे भारत को टुकड़ों में देखना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा मोदी जी के लिए कि वो हिंदू नहीं है। अरे भाई, सिंडी गठबंधन के लिए कोई भी हिंदू नहीं है, उनके लिए याद क्या हिंदू नहीं है? हिंदू अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण है, उत्तर भारतीय है, दक्षिण भारतीय है, वो कन्नड़ है, वो तमिल है, वो तेलुगु है, वो मराठी है, वो पंजाबी है, वो बंगाली है और वो हिंदी है, पर हिंदू नहीं है, क्योंकि आपको टुकड़े में ही देखना है, आपकी नजर ही वो टुकड़े वाली है, क्योंकि देश के टुकड़े टुकड़े करके एक परिवार ने एक जमाने में सत्ता पाई और आज एक नारा लगा के भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़े वह गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं कि किसी एक टुकड़े के ऊपर मुझे हुकूमत करने को मिल जाए। परंतु मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के प्रति जो ये व्यक्तिगत अपमान किया है, जनता जनार्दन, हम कहते हैं ना, जनता जनार्दन के भाव से शिशुपाल की तरह एक एक गाली गिन रही है। हालांकि मोदी का परिवार कैंपेन पर विपक्ष की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, भाजपा आत्महत्या करने वालों के परिवारों के लिए चिंतित क्यों नहीं है? चाहे वे युवा हों या किसान हों, यह मुद्दों से भटकाने के लिए है। भाजपा को इनकी चिंता होती तो अपने नाम के आगे किसान परिवार जोड़ते। जिस परिवार का एक सदस्य आत्महत्या कर लेता है, वो किसान हो या वो नौजवान हो, इस देश में एक दिन में 50 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके परिवार की चिंता नहीं है इन्हें? ये मुद्दों से भटकाने की साजिश है इस सरकार की। उनको कोई चिंता नहीं है कि हर घंटे एक किसान आत्महत्या करता है इस देश में, हर घंटे दो नौजवान आत्महत्या करते हैं इस देश में। उनके परिवार के बारे में कोई चिंता है इन्हें? होती तो शायद अपने बायो बदल के लिख देते, किसान का परिवार, नौजवान का परिवार। हमारी चिंता उस किसान की है और उस नौजवान की है, इनकी चिंता मोदी की। वहीं अब महागठबंधन की महारैली के बाद राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भाजपा ने दोनों नेताओं के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की। इस मामले को गंभीरता से लें और उचित कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है। दरअसल भाजपा के युवा प्रदेश प्रवक्ता कृष्णा सिंह उर्फ कल्लू ने पटना के गांधी मैदान थाने में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत दी है। आवेदन में उन्होंने कहा कि लालू यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी की
मां को लेकर टिप्पणी की। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद ने हिंदू आस्था के खिलाफ टिप्पणी की। लालू के इस बयान से देश की जनता को ठेस पहुंची है। वहीं तेजस्वी यादव द्वारा स्वर्ण समाज के लोगों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करें और उचित कार्रवाई करें। बहरहाल अब देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए गठबंधन मजबूत हो चुका है। नीतीश कुमार के फिर से इस गठबंधन से जुड़ने के बाद लोकसभा के चुनाव में एनडीए को इसका फायदा मिल सकता है। वहीं मोदी के परिवार को लेकर दिए बयान के बाद विपक्ष अब घिरता हुआ नजर आ रहा है। इसका कितना नुकसान अब महागठबंधन को होने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, चौकीदार चोर है, ये वो नारे हैं जो विपक्ष की लुटिया डुबो चुके हैं। दो बार झटका खाने के बावजूद लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्ष फिर वही गलती दोहरा चुका है जो 2019 में राहुल गांधी और 2014 में मणिशंकर अय्यर कर चुके हैं। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में मर्यादाहीन बयान देकर इस बार पीएम मोदी पर वार करने वाला कोई और नहीं विपक्षी गठबंधन के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में शुमार और कभी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके लालू प्रसाद यादव है, जिन्होंने इस बार पीएम मोदी के परिवार को लेकर पटना से ऐसा वार कर दिया कि उनका वार अब उन्हीं के लिए उल्टा साबित हो गया है। दरअसल लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर कहा था कि उनके पास परिवार नहीं है। बस फिर क्या था, प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रैली में इसका पलटवार करते हुए कह दिया है कि देश में सेवा करने आया हूं, ये भारत ही मेरा परिवार है। मोदी के इस बयान के तुरंत बाद ही बीजेपी नेताओं ने अपने एक्स प्रोफाइल पर मोदी का परिवार लिखकर कर दी है नए अभियान का आगाज। मैं भी चौकीदार के बाद अब मोदी का परिवार, विरोधियों के एजेंडे को ही बनाया अपना हथियार। बीजेपी ने खत्म कर डाली विपक्ष के तीर की धार। बीजेपी का टारगेट इस बार पहुंचना है 400 पार। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होती जा रही है, देश चुनावी माहौल में रंगता नजर आ रहा है। राजनीतिक दलों की ओर से चुनावी रैलियों के साथ साथ राजनीतिक हमलों का दौर भी शुरू हो चुका है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान पर जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल ने चुनावी बिगुल बजाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला, तो उनके हमले को ही मोदी ने हथियार बनाते हुए अपने चुनावी अभियान में शामिल कर लिया। ये सब कुछ वैसा ही है जैसा 5 साल पहले मैं भी चौकीदार का अभियान चलाया गया था। दरअसल 2019 में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा लगाया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपना नाम बदलकर चौकीदार नरेंद्र मोदी कर लिया था, जिसके बाद अमित शाह, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा समेत भाजपा के ज्यादातर मंत्रियों और अन्य बड़े नेताओं ने अपने नाम के आगे चौकीदार लगा लिया था। यह अभियान चुनाव खत्म होने तक जारी रहा। पहले नारा चलता था, आपको याद होगा, मोदी जी स्टेज पे होते थे, उनके वहां पे 10-15 लोग खड़े होते थे, कहते थे अच्छे दिन, वो जनता कहती थी आएंगे, याद है आपको, मोदी 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 अच्छे दिन आएंगे। 5 साल 4.5 साल हुए, कांग्रेस मुक्त भारत, मैं कांग्रेस मुक्त भारत कर दूंगा। आज किसी भी चौकीदार, किसी से भी आप पूछ लो, मीटिंग के बाद आप जाना, दिल्ली में कोई भी आपको मिल जाए, बस ये शब्द कहना, चौकीदार। उसको आप आस्ते से कहो, चौकीदार चौकीदार चौकीदार, जैसे भी कहना है आप चौकीदार बोलो, दूसरे साइड से पता लगेगा चोर है। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, हम चौकीदार भी हैं, हम भागीदार भी हैं, लेकिन हम आपकी तरह सौदागर नहीं है, ठेकेदार नहीं है।
ना हम सौदागर है, ना हम ठेकेदार है, हम भागीदार हैं, देश के गरीबों के दुख के भागीदार हैं, हम देश के किसानों की पीड़ा के भागीदार हैं, हम भागीदार हैं, देश के नौजवानों के सपनों के भागीदार हैं, हम भागीदार हैं, देश के उन 115 जिले जो आकांक्षी जिले हैं उनके विकास के सपनों के भागीदार हैं, हम देश को विकास की नई राह पर ले जाने वाले मेहनत कश मजदूरों के भागीदार हैं, हम भागीदार हैं और हम भागीदार रहेंगे। उनके दुख को बांटना ये हमारी भागीदारी जिम्मेवारी है, हम निभाएंगे। हम ठेकेदार नहीं है, हम सौदागर नहीं है, हम चौकीदार भी है, हम भागीदार भी है, हमें गर्व है इस बात। वही चौकीदार चोर है के नारे के साथ कांग्रेस चुनाव में लगातार अपना अभियान चलाती रही। जवाब में मोदी ने मैं भी चौकीदार का नारा दिया। हालांकि कांग्रेस को इसका फायदा नहीं हुआ और पार्टी महज 44 सीटों पर सिमट गई। वहीं बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए फिर से सत्ता पर काबिज हो गई। कांग्रेस के सारे हमले बेकार साबित हो गए। ठीक इसी तरह साल 2014 में दिल्ली में कांग्रेस का सम्मेलन था, जिसमें उसके एक वरिष्ठ नेता ने ऐसी ही एक चूक की थी, जिसे भाजपा ने अपने सबसे बड़े हथियार में बदल दिया था। मेरा भारत, मेरा परिवार।